जहाना काउंसलर फ्रॉम स्कूल लीडरशिप एकेडमी SLA SERD। आज के इस शुमारे में हमने जिस हस्ती को दावत दी है वो विमेन एम्पावरमेंट की एक जिंदा मिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैडम अंजुम राजा की, जो कि डिप्टी CEO हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा वो ये कि पहला अपने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली लेडी हूँ। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ डलगेट में रहती थी। आई हैव स्टार्टेड माई एजुकेशन इन अ कोएड स्कूल दैट इज़ कॉल्ड लोविड गार्डन स्कूल, जो जिसकी प्रिंसिपल एक बहुत मानी हुई शख्सियत थी एंड शी वॉज नोन एज बेगम जलालुद्दीन। तो उनने एक स्कूल जो बनाया था, हम वहाँ पढ़ते थे, इट वॉज अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल, इट वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल। उस स्कूल में मैंने पहला एक इन्फ्लुएंस किया है वेमेन एम्पावरमेंट पे, दैट अ लेडी दैट ड्यूरिंग दोज टाइम्स जो ऑक्सफर्ड गई थी, ऑक्सफर्ड में उसने तालीम हासिल की थी एंड शी ट्राई टू मेक एंड इम्बाइब ऑल दोज थिंग्स इनटू हर स्कूल। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिड डे मील, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। दिस देन आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक इट विल बी 74 ऑनवर्ड्स। सो इट वॉज ऐसा हमारा स्कूल में था कि दैट वी यूज टू गो फॉर ट्रेकिंग्स, वी यूज टू गो फॉर एक्सकर्शन, वी यूज टू गो इवन टू सिनेमा हॉल्स, बिकॉज शी वॉज ऑफ दिस थिंकिंग दैट आई मीन यू गेट एन एक्सपोजर, इट इज वेरी डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। मैम आगे चलकर लाइक व्हेन यू एंटर द डिपार्टमेंट। आई एंटर डिपार्टमेंट इन 1996 एज लेक्चरर एंड मेरी पहली पोस्टिंग थी एट करालपुरा कुपवारा। सो इट वॉज अ स्कूल विच वॉज वेरी फार ऑफ फ्रॉम माई रेजिडेंस, अराउंड 114 किलोमीटर्स देयर। दिस वॉज माई फर्स्ट चैलेंज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज मुझे घर से वहाँ तक जाना और वहाँ रहना पड़ता था। आई यूज टू स्टे फॉर अ वीक्स टाइम और देयर, और वहाँ पर ही मैं अपना बोरिया बिस्तरा मेरा वहीं पर था एंड आई यूज टू कम आफ्टर 1996 से ही नहीं बल्कि आपके स्कूल डेज से ही आपको शुरुआत में ही मिली है। सो मैम हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो कुछ अपने बारे में बोलने के बाद कुछ स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी को वुमेन एम्पावरमेंट की किस तरह ज़रूरत है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं एज अ डिप्टी CEO? मैं कहना चाहती हूँ कि दैट वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी सेंसिटिव एज वेल, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम जेंडर पैरिटी की बात करते हैं तो हमारा मानना है वेमेन एंड मैन आर एट सेम प्लेटफॉर्म। जब हमें गवर्नमेंट सर्विस रूल्स की बात करते हैं तो एट द सेम टाइम वी आर ऑन द पैरिटी, हमारे पास कोई ऐसी खसूसियत नहीं है कि भाई वेमेन्स आर लैगिंग समवेयर। आई विल टेक दिस लाइक इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वी हैव इक्वल रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, वेरी लिटिल चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट ऑफ स्कूल, जस्ट जो हमने पीछे एक सर्वे के थ्रू, द लास्ट सर्वे के थ्रू वी हैव गॉन थ्रू। और हमारी जो ट्रांजिशन रेट ऑफ फीमेल्स फ्रॉम लोअर क्लासेज टू हायर क्लासेज दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट एट पार विद आर बॉयज़। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि गर्ल्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैम हमें ये बताएं कि जैसे लड़कियों के लिए कोई खास प्रोग्राम्स, क्योंकि हम गर्ल एम्पावरमेंट की अगर बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इनकी स्टार्ट तो पहले से होगा, तो इनके एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं जो हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में देख रहे हैं जिनकी अवसर बढ़ाई कर। देखिए गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हम लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, MMS है, देन वी हैव बेटी अनमोल। तो ये ऐसे बेटी अनमोल में आप क्या करते हैं? बेटी अनमोल एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है कि एक बच्ची जब 12th क्वालिफाई करती है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन टू हर। राइट, तो ये एक तरह से मानिए गवर्नमेंट उसको आगे एम्पावर कर रही है, बिकॉज व्हेन यू आर फाइनेंशियली, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के दो पहलू देख सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं वो इन द वेज मार्केट जैसे हम कहते हैं, जहाँ भी हो जाती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उनके लिए। मैं आपको इस तरह बताऊंगी कि दैट जो टीचर्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर आप एक जनरल सिनेरियो देखेंगे तो टीचिंग प्रोफेशन मैक्सिमम इन डिस्ट्रिक्ट सारनगर
फीमेल्स करती हैं, वेदर इट इज़ प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, हर जगह लेडीज ही हैं. एंड इफ़ यू आर दीज लेडीज दे वर्क इन देयर वर्किंग कंडीशन शुड बी सच दैट दे आर एबल टू वर्क विदाउट फेयर, राइट. ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला दैट अ लेडी दैट यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप क्या करना चाहती हैं. खास इसमें कुछ टीचर्स के लिए कोई जैसे मैं आपको इस बारे में एक बात बताऊंगी जो मैंने जनरली देखा है अपने इस टेन्योर में, बिकॉज व्हेन आई वाज अ टीचर मैं ये मान के आपको चलती हूँ कि एवरी टीचर इज़ अ लीडर, राइट. क्योंकि जब वो अपने क्लास पे फोकस करता है तो जो बच्चे होते हैं उनके सामने शी इज़ अ लीडर टू देम, बिल्कुल. उनकी एक्शंस, उसकी एक्शंस, उसका रोल, उसका ओपिनियन, वो सब बहुत इफेक्ट करता है बच्चे को. और जितने अच्छे आप में ये क्वालिटीज़ हैं और जितना इजीली आप अपने बच्चों को अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, उनको आप वी कैन डेवलप देम मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तो उतने आप सक्सेसफुल एज अ लीडर है. दैट मींस एक टीचर लीडर है, ही इज अ लीडर, ही शी इज अ लीडर. नाउ एक लीडर जो है इट इज़ नॉट जस्ट पैनोरामा, एक ही साइड ऑफ द पिक्चर है कि भाई आप लीडर है इन द क्लास रूम, बट यू शुड बी लीडर आउटसाइड एज वेल. दैट मींस यू शुड नो कि भाई आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एज अ प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, भाई आपके क्या राइट्स हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपको गवर्नमेंट ने कौन से हकूक दिए हैं, व्हाट यू वांट टू नो. आप पूछ सकते हैं, हाँ आप पूछ सकते हैं, सर्विस रूल्स को पढ़ सकते हैं, आप कंडक्ट एंड अपील रूल को पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ से पता लगेगा कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं एज वेल एज व्हाट आर योर राइट्स. और कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, कोई आपसे कोई गलत बात नहीं कर सकता है. क्योंकि आपको पता है आप क्या है. तो आई फील जब आपको पास ये अवेयरनेस है, ये नॉलेज है, तो आप एम्पावर्ड लेडी बन सकती हैं. यू कैन बी मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, यू कैन मेक योर ओपिनियन विल मैटर बिकॉज आपको पता है यू आर. मैम हमने देखा लास्ट ईयर जब टीचर्स डे हुआ, एक एम्पावरमेंट की एक झलक दिखी, वो जो टीम उसके पीछे काम कर रही थी, उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए और उसमें क्या नया हम लोगों ने देखा उस बारे में बताइए थोड़ा सा. क्योंकि हर कोई प्रोग्राम तब तक जो ऑर्गेनाइज होता था, तो जो हमारे स्पीकर्स होते थे, जो हमारे स्टाफ जो एंकरिंग करते हैं या जिनको हम बोलते हैं कि मॉडरेट जो करते जो थे, जो स्टेज मॉनिटर करते थे, तो जनरली वो टीचर्स होते थे और वहाँ पर एक बिकॉज दे ऑलरेडी नो वी थिंक दैट कि जब ये टीचर होगा तो कोई गलती नहीं होगी. बट येस डेफिनेटली ये क्रेडिट जाता है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, जिन्होंने पहली बार इस सोच को रखा कि दैट वी हैव सच अ टैलेंटेड गर्ल स्टूडेंट्स, व्हाई कांट वी फोकस ऑन देम और उनको ही एज एंकर प्रोड्यूस किया जाए. ये एक बहुत बड़ा मैसेज था क्योंकि जहाँ पर करीबन हज़ारों टीचर्स थे, तो एलजी साहब खुद वहाँ पे, ऑनरेबल एलजी साहब खुद वहाँ पर थे और देयर वाज नो मेनी डिग्निटरीज और उन्होंने वो प्रोग्राम कितने अच्छे से कंडक्ट किया, बहुत अच्छे से. And I'm so glad that we have such people, such girls in our society. Definitely, they will make a change in their life as well as in the society. MashaAllah. Ma'am, abhi kuch challenges jo aapne face ki hon during this being as a system leader, koi khas challenge jo aapko zehen mein aaye aur aapne kis tarah usko solve karne ki koshish ki? Koi ek incident agar hai? Hamara sabse bada challenge hota hai to coordinate. Right. Because जो different departments काम करते हैं at different stages, तो उन लोगों के साथ coordinate करना, time पर उनको information देना, time पर conclusions निकालना, time पर काम की completion होना, तो ये बहुत बड़ा challenge, time bound होना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा challenge है. और ये हम लोग बखूबी निभा रहे हैं. हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक स्मार्ट सिटी में है, एक स्मार्ट लीडर के साथ है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे NEP जो वोकेशनल के बारे में, जितना भी वोकेशनल के बारे में उसमें लिखा गया है, कोशिश कर रहे हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम उसको इम्प्लीमेंट करने की, पूरे JNK में इम्प्लीमेंट करने की, कोई खास काम जो श्रीनगर सिटी में हो रहा है इन रिगार्ड टू वोकेशनल एजुकेशन? देखिए अभी तक जो काम है वो तो डिपार्टमेंट ही कर रहा है, CRT के थ्रू या समग्र शिक्षा के, जिस तरह हम वी आर डूइंग दैट. तो वो जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी जहाँ पर मैं हमारे बच्चियाँ जो हैं स्किल ओरिएंटेड काम करती हैं. तो जैसे कुछ बच्चे हैं, आई हैड अ गर्ल इन नौहट्टा हायर सेकेंडरी, शी इज़ अ कैलीग्राफर, तो वो कैलीग्राफी के साथ करती है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी अर्निंग करती हैं. देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेहंदी आर्ट,
तो जो स्कूल्स में कहीं कहीं जेनरेशन बन जाती है बच्चे के अंदर कि भाई व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन डू, इट्स अ क्रिएटिव वर्क, इट्स अ क्रिएटिव वर्क. और ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि मैं यही कह रही हूँ ना बार बार, इस चीज़ पर मेरा फोकस है कि बच्चियाँ पढ़ती हैं तो अगर उसके साथ उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ स्किल दे दिया जाए तो दे विल दे कैन डू वंडर्स. दे आर देमसेल्फ दैट इज व्हाट एनईपी एफजी 2020 दैट वी कैन गेट अ क्राफ्टमैन टू आवर स्कूल. या जो हमारे बच्चों को पता सकता है कि उसने क्राफ्ट कहाँ से सीखा एंड व्हाट हैज बीन हिज इनोवेशंस, व्हाट हैज बीन हिज चैलेंजेस, व्हाट हैज बीन हिज कंट्रीब्यूशन एंड हाउ इट हैज हेल्प्ड हिज इन अर्निंग हिज लिविंग एंड हाउ इट हैज हेल्प्ड हिज इन अर्निंग अ नेम. आपने बहुत सारे एजाजात आपको दिए गए हैं, उन एजाजात के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं पर्टिकुलरली हमारा वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो मोटिवेट हों, कल को जब सिस्टम लीडर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की वो हिचक जाए ना. क्योंकि जब एक औरत कामयाब होती है वो पूरा मुआशरा कामयाब होता है. जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. हाँ मुझे कुछ अवार्ड्स दिए गए कई तरह से, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अवार्ड दिया था मुझे रिसेंटली, दैट वाज फॉर इम्प्रूविंग द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स. उसमें भी हमारा ऑनलाइन जो हमारे काम हुए थे ऑन द एजुकेशन पर जो फोकस रहा एजुकेशन का, दैट हैज बीन अ कंट्रीब्यूटरी. हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसमें आपका काफी था कि आप टीम को पीछे बिल्कुल बैक एंड पे आप सपोर्ट कर रहे थे, दैट हैज बीन अ सिस्टम. वो भी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे, तो जो ऑनलाइन सिस्टम हमने जेनरेट किया था विद हेल्प ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए वो अवार्ड दिया गया था. बिसाइड्स दैट मैंने कला उत्सव में जैसे हमने ऑर्गेनाइज किया जो कि टैलेंट हंट शो है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कला उत्सव के. कला उत्सव इट इज डन इन ऑल ओवर इंडिया. तो ये बच्चों को उनके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं वेदर इट इज़ अ सिंगिंग और इट इज़ डांसिंग और इट इज ट्रेडिशनल म्यूजिक और ये उसके बारे में है. और श्रीनगर में जो डिस्ट्रिक्ट यूटी में जम्मू में भी इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पिटिशन हुआ. वी ऑल्सो हैड एट जोनल लेवल, देन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन एट द यूटी लेवल, एट डिविजनल लेवल, एंड वी वेर एबल, श्रीनगर वॉज एबल टू गेट सिक्योर टू अवार्ड्स इन दैट. तो ऐसे इसमें टॉय मेकिंग है, 3D आर्ट है, सो मेनी मेनी थिंग्स हैं जो वो चीज़ें हैं. तो उसमें मैंने इस साल काम किया था एंड उसकी सराहना दरअसल साहब ने मुझे की थी हार्डवर्क फॉर इट. एंड देर आर मेदर अदर थिंग्स, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम किया था, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया. देन आई एम वर्किंग विद डेल्सा लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो उनका प्रोग्राम्स जहाँ कहीं होते हैं आई वर्क विद देम एंड उन लोगों की वक्तन पर वक्तन ऐसे काम करने के बाद मेरे को अप्रिसिएशन करते हैं. तो ये तो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में तो एक एनकरेजमेंट होता है. बिल्कुल, एक एनकरेजमेंट के साथ ही इंसान ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है और जब ऐसा काम करते हैं तो अप्रिसिएशन तो आनी ही आनी है, बिल्कुल आनी है. तो जिसको ये मौका मिलता है एज सिस्टम लीडर इस तरीके का काम करने के लिए, तो उनको बिल्कुल मुझे लगता है कि अंजू मैम को फॉलो करना चाहिए. अंजू मैम, हम जाते जाते एक छोटी सी मैसेज अपने सुनने वालों के लिए, अपने देखने वालों के, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे वुड बी सिस्टम लीडर्स के लिए जो आप देना चाहिए, खासकर फीमेल्स के लिए. मैं फीमेल्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, चाहे वो टीचर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे लेक्चरर हो, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, एवरीबॉडी, कि आप स्कूल एजुकेशन जो हम एजुकेशन सिस्टम रन कर रहे हैं इसमें आप अपनी ग्रोथ भी देखिए, ग्रो योर सेल्फ एज वेल. उनके पास एजुकेशनली जो ग्रोथ करते हैं, क्लासरूम्स में ग्रोथ करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज लीडरशिप में हम लोगों का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फीमेल टीचर्स को, कम फॉरवर्ड. अगर आपको कोई असाइनमेंट देता है, कोई भी स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, अगर आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इट विल ऐड टू योर नॉलेज. You will be this which will add to your knowledge and जब कल आप इस फेज से आएंगे you will be a leader of the school. आप वहाँ पहुँचने ही पहुँचने जब आप पहुँचेंगे तो you will not face any difficulty. Right. तो इस तरह से you will be successful, क्योंकि आप अगर challenges नहीं लेंगे in terms of your career development तो आप कहाँ ग्रो कर सकते हैं. तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, ऑल द प्रिंसिपल्स हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हैं और एनी वेयर, बिकॉज दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक स्कूल को रन कर रहे हैं,
या हेडमास्टर्स भी हैं, बट जो हमारे टीचर्स हैं दे शुड कैरी फॉरवर्ड, दे शुड सी द लेगेसी, जो उनके लीडर्स हैं उनके स्कूल्स में हैं, दे शुड सी द लेगेसी एंड दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन भी इम्प्रूव हो जाए और उनकी भी दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, कैसे बैलेंस करते हैं घर को एज अ फीमेल, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूरी आएगा कि अपने घर को और अपने प्रोफेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। जब से ही मैंने ज्वाइन किया एज अ डिप्टी सी ओ, बिकॉज तब तक तो एक स्कूल रूटीन होती है 7-9 to 3 और इट कैन बी 8 to 2, ऐसे रूटीन है। लेकिन जब मैं डिप्टी सी ओ पोस्ट हो गई तो पहला जो मेरा सबसे पहले सब कह रहे थे कि आप कैसे करेंगे, व्हाट विल यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट, ये बहुत चैलेंजिंग है। तो लेकिन आई वॉज वेरी थैंकफुल, आई हैड अ वेरी, मेरे पास जो मेरे स्पाउस है ही वेरी कोऑपरेटिव, उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड देन आई एम मदर ऑफ 2 daughters एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, जो काम मैं नहीं कर पाती थी दे यूज टू डू इट, और मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं देना देते थे कि नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं है तो क्यों नहीं है, सो दे हैव कोऑपरेटेड मी। सो दैट मीन्स आप 100% तब दे पाए कि जब आपको फैमिली ने भी कोऑपरेट किया। सो बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज अ मैन आल्सो, यस राइट, देयर इज अ फैमिली आल्सो, देयर इज अ फैमिली, बिकॉज़ यही नहीं है हमें, वी हैव एवरीथिंग बट वी डोंट हैव एक्सेप्टेंस, राइट, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दैट इसकी चैलेंज, इसको चैलेंज है, शी इज हैविंग अ चैलेंज, सो इस चीज को अगर हम समझें। तो आपने एक स्मार्ट तरीके से घर को और अपने जॉब को संभाला और एक स्मार्ट सिटी में इस वक्त आप एज डिप्टी सीईओ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह होप कि हम और भी ज्यादा लॉरेंस आपके करियर में देखें, आपके प्रोफेशन में देखें, और इस उम्मीद के साथ कि हमारे टीचर्स भी 50 घंटे यानी 50 hours ऑफ ट्रेनिंग जो NEP कहता है कि हर एक टीचर को मिलना चाहिए, मैम जैसे कह रही हैं कि उसके अकाउंट भी होनी चाहिए, तो आप सबको इस उम्मीद के साथ कि ट्रेनिंग को मैं पूरा पार्टिसिपेट करेंगे, मैम ने जो बातें बोली उनका भी पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली बार एक नए मेहमान के साथ, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें मेल करेंगे SLASERTJK@gmail.com पर, और हमें अपने कमेंट से ज़रूर नवाजेंगे कि कहाँ पर हमें थोड़ी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अंजू राजा मैम, मैडम, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आज आप हमारे पास एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक ब्यूटीफुल मिसाल लेकर हमारे स्टूडियो में आई और अपनी कितनी मुफीद बातें हमारे सुनने वालों को, हमारी फीमेल टीचर्स को, हमारे फीमेल लीडर्स को, हमारे सिस्टम लीडर्स को बताई। आई होप वो सब इसको अमलाने की कोशिश करेंगे। लेते हैं इजाज़त, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।